35% कुल प्रोजेक्ट में सब्सिडी है और अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक है। तो पूरे देश में हम 87 नंबर पे हैं, जो 652 कुल ज़िले जो देश में हैं उसमें हम 87 नंबर पे हैं। शॉर्ट में इसको PMFME बोलते हैं, उचित रोजगार है, जो छोटे धंधे करते हैं, असंगठित जो भी काम करते हैं, रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाए, खुद अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकें, इसका ये उद्देश्य है। तो ये योजना देश के हर राज्य में लागू होगी? हर राज्य में लागू है। तो इसमें क्या सब्सिडी मिली है आपको? जी सर, मुझे 35% सब्सिडी मिली है इसमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हरीश पवार बिजनेस आइडिया में। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कई सारी कल्याणकारी योजनाएं, जिनमें से एक योजना पर हम बात करेंगे। ये योजना का नाम क्या है, कितने परसेंट की सब्सिडी है और इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं? तो चलिए दोस्तों, जानकारी लेते हैं सारी यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे। तो जानेंगे सबसे पहले सर का शुभ नाम क्या है। जी, हमारा नाम महेश प्रताप सिंह बुंदेला है। और आप यहाँ किस पद पर हैं सर? सहायक संचालक उद्यान ग्वालियर के पद पर पदस्थ हैं। तो सर, ये क्या योजना क्या है, इसका नाम क्या है, किस तरह लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना इसका नाम है। शॉर्ट में इसको PMFME बोलते हैं जी। और ये योजना जो है ना, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत ये चालू की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि जो शिक्षित बेरोजगार है, जो छोटे धंधे करते हैं, असंगठित जो भी काम करते हैं, संगठित करके उनको एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से, प्रसंस्करण के माध्यम से रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाए, वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन सकें, खुद अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकें, इसका ये उद्देश्य है। तो सर, इस योजना के अंदर कितने परसेंट की सब्सिडी है? इसके अंदर 35% कुल प्रोजेक्ट में सब्सिडी है और अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपये तक है। अगर कोई किसान 2 लाख का केस बनाता है तो 70,000 सब्सिडी है, अगर 35 लाख का केस बनता है 34 लाख का तो 10 लाख की छूट है। और इस योजना में कोई जाति बंधन? कोई जाति बंधन नहीं है इसमें, कोई पुलहा मुनुष्का नहीं है, कुछ भी इसके अंदर, कोई पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं चाहिए, अनपढ़ के लिए भी योजना लागू है। केवल यह 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति होना चाहिए। और इस योजना में खास बात और भी है कि ये योजना में जो सब्सिडी होती है 35% तो मिलती है, 3% ब्याज की छूट भी है, जो लोग जो स्थापित करते हैं उन 3% ब्याज भी इसके अंदर माफ है। तो ये योजना देश के हर राज्य में लागू होगी? हर राज्य में लागू है। और मध्य प्रदेश में तो ये ग्वालियर ज़िला प्रदेश में नंबर 1 पे है। और अभी ग्वालियर ज़िले में कुल 111 यूनिटें स्वीकृत हुई हैं, जिनमें अभी शुरुआत हो गई है, लगने की शुरुआत, और 9 यूनिट स्थापित भी हो गई, बाकी सब निरंतर प्रगतिरत हैं। तो अपने यहाँ से सर कितने केस हो चुके हैं? कुल 111 केस होकर के अभी हम मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर हैं। तो फार्म भरने की क्या प्रक्रिया है? कुछ ज़्यादा इसमें कठिन काम कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने एक सिंपल फार्म बना रखा है 1 पन्ने का। इस फार्म में केवल नाम पता उसका, ये सब जहाँ स्थापित करेगा वो है, आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है। और 5 लाख रुपए तक तो ऐसे तो सरकार का कहना है 5 लाख तक तो की गारंटी जरूरत नहीं है, फिर भी जो कि बैंक के केस करता है तो बैंक ये देख लेता है कि वो आदमी इस काम को करने सक्षम है या नहीं है। तो वो अगर बैंक थोड़ा भी उसमें लगता है कि व्यक्ति ठीक है तो एक केस आराम से हो जाता है। और अभी तक 111 केस वाले ज़िले में हो चुके हैं। योजना जो है ये फ्रूट प्रोसेसिंग के ऊपर है? ये पूरी योजना ही फ्रूट प्रोसेसिंग पर है। इसमें सभी प्रकार के जितने प्रसंस्करण हो सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, किसान को कोई बाध्यता नहीं है। जो भी किसान या जो भी हितग्राही, जो भी व्यापारी, जो भी रोजगार है, जो वो कर सकता हो, जिसको अपने, जैसे तेल मिल है, मसाला की इंडस्ट्री है, आटा की इंडस्ट्री है, बेकरी के आइटम है, टॉफ़ी है, बिस्कुट है, ब्रेड है, बटर है, यहाँ तक कि जो दूध से बनने वाले पदार्थ है, पनीर है, घी है, मिठाइयों में भी जो मिठाइयाँ पैक हो सकती हैं, पेठा है, गुड़ है, इस योजना का यही एक बहुत बड़ा लाभ है, इसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। मतलब कि ये जो योजना है, इस योजना में मशीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो? नहीं, मशीन जो खाने वाला है, चाहे वो कोई आदमी, मतलब मानो अपने हम लोग खाते हों, या कोई पशु खाता हो, या पक्षी खाता हो, मछली खाती, दाना आहार, मतलब कोई भी जीव
जो चीज़ भोजन करता है उसकी कोई इंडस्ट्री चाहे वो किसी भी रूप में हो उसके लिए इसके ऊपर अनुदान है। सर, इस योजना का जो स्थान है मध्य प्रदेश में किस पोजीशन पर है? आज की तारीख में अभी ग्वालियर का जो स्थान है वो एक नंबर पर है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा केस ग्वालियर ने सैंक्शन किए हैं, हम एक नंबर पर हैं। और हम पूरे देश की अगर हम बात करते हैं तो पूरे देश में हम 87 नंबर पर हैं। जो 652 कुल ज़िले जो देश में हैं उसमें हम 87 नंबर पर हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम 23-24 में इस ग्वालियर ज़िले में इतने केस रियायती इंडस्ट्री लगवाएं कि हम टॉप 10 जो इंडिया के जो टॉप 10 ज़िले हैं उसमें हमारा नाम शामिल हो। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दुर्ग सिंह कुशवाहा है। ध्रुव सिंह कुशवाहा जी, तो आपने जो लोन लिया है वो किस योजना के तहत लिया है? पीएमएफआई के तहत आपने लोन लिया है, तो इसमें क्या सब्सिडी मिली है आपको? जी सर, मुझे 35% सब्सिडी मिली है, इसमें 6,40,000 का लोन हुआ है। 6,40,000 का लोन हुआ है। और आपसे जानना चाहेंगे आपका लोन कितने दिन में सेंक्शन हो गया था? सर, मैंने फार्म भर के मैंने उद्यान विभाग में दिया, उनने फार्म अपलोड किया ऑनलाइन किया, बैंक में पहुँच गया, 20 से 25 दिन में मेरा लोन सैंक्शन हो गया। तो आपके पास कॉल आया था उनका? हाँ, उनका कॉल आया था कि आपका बैंक में वो पहुँच गया है, आप बैंक से संपर्क किए। बैंक में मैंने संपर्क किया, बैंक वालों ने जो जो डॉक्यूमेंट्स गए मैंने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और मेरा सैंक्शन हो गया। आपका लोन सैंक्शन हो गया। तो आपने इस लोन की राशि से क्या काम किया? मैंने सर लोन की राशि से मैंने मशीनें खरीदी, स्टीकर वगैरह वो छपवाए और मार्केट में सेल किया। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस तरह की ये मशीन है और किस तरीके से ये काम करती है और मार्केट में कुशवाहा जी इसकी जो सप्लाई देते हैं मार्जिन कितना है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। इससे पहले देख लेते हैं मशीन किस तरह से काम करती है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी मशीनें हैं ये मशीनें किस तरह से काम करती हैं और इससे क्या बनता है? ये मशीन है, इसमें आलू डालते हैं, चालू करते हैं, उसे घूमता है, आलू छिल जाता है, मिट्टी धूल कंकड़ सब निकल जाता है। किस तरह से ये मशीन छिलाई और धुलाई का काम कर रही है ये देख सकते हैं आप। ये आलू पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है, अब इस आलू को धोने की तैयारी है। धुलेगा आलू 3 पानी से कम से कम और उसके बाद में ये अगली मशीन पर जाएगा। दूसरी मशीन है कटिंग का काम कर रही है, कटिंग है डिजाइनिंग में, सादा भी चिप्स जैसे चिप्स वैसे काटती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मशीन चिप्स बनाती है। ये देखिए आलू डालेगा, ये देखिए ये चिप्स निकलना चालू। और चिप्स अलग अलग डिजाइन में बना सकते हैं इस मशीन द्वारा, ये तसले पूरा भर दिया जाता है आलूओं से। तो कुशवाहा जी आपसे जानेंगे कि आपकी जो महीने की सेल है वो लगभग कितनी है और इनकम कितनी है? सर ये अपनी 3-4 लाख रुपये की मंथली सेल है, इसमें 10% है मान लो अपना बचता है तो 30,000 रुपये मान के चलो, क्योंकि कुछ खर्चा भी आ जाता है सर। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि चिप्स में फिनिशिंग है कि नहीं है और डिज़ाइन क्या है चिप्स का, ये भी देखेंगे अभी। ये मशीन से कटे हुए चिप्स हैं, ये बिल्कुल फिनिशिंग है इस चिप्स के अंदर, ये देखिए आप काफ़ी फिनिशिंग है और डिज़ाइन भी बढ़िया है। और ये तीसरी मशीन में आलू का जो पानी मॉइस्चराइज होता है वो निकल जाता है, ये पूरी तरीके से चिप्स को सुखा देती है। हाँ, पूरी तरीके से चिप्स को सुखा देती है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि ये तीसरी जो मशीन है ये किस तरीके से काम करती है और चिप्स को सुखाती है। ये देख सकते हैं आप, ये मशीन से पानी निकलना शुरू हो गया है और ये मशीन ने सुखाना शुरू कर दिया चिप्स को। चलिए अब इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए आप, चिप्स पूरी तरीके से सूख चुके हैं, पानी इसमें नहीं है। अब इनको फिर फ्राई किया जाता है, देख सकते हैं अब हम कि चिप्स किस तरीके से फ्राई हो रहे हैं। ये चिप्स पुराने हैं दोस्तों, पहले पुराने चिप्स तल के दिखाए उन्होंने, अब दिखाएंगे जो नए चिप्स अभी बने हैं। ये देखिए आप, ये नए चिप्स हैं और ये डाल दिए नए चिप्स उन्होंने और ये तल के तैयार हैं चिप्स भी। बढ़िया फिनिशिंग है चिप्सों के अंदर, ये देख सकते हैं आप। आपके यहाँ खुद की पैकिंग तैयार होती है चिप्स की? जी जी सर, हाँ खुद की पैकिंग, खुद से ही मसाला बनाते हैं, खुद से ही पैक करते हैं। तो आपके जो चिप्स हैं ये इसकी मार्केटिंग कौन करता है? कमीशन बेस पे सेल्समैन है, वो ऑर्डर लाता है, हम ऑर्डर डिलीवरी कराते हैं माल की। तो ये चिप्स अब तैयार है पूरी तरीके से? हाँ सर, वो चिप्स अब तैयार, पहले ड्राई कर लिया, फिर कटिंग कर ली, फिर वो ड्राई हो गया, ये फ्राई हो गया। फ्राई करने के बाद में इसमें थोड़ा मसाला डालेंगे और पैक करेंगे वो मार्केट में खाने के लिए तैयार, सेल करने के लिए। तो ये आप मसाला मिला रहे हैं इसमें? जी सर, हाँ मसाला है। तो इससे चिप्स का जो स्वाद है वो शायद बढ़ जाएगा। हाँ सर। तो किस तरह मसाला मिलाया जाता है ये देख लेते हैं दोस्तों। आलू चिप्स का हमने खुद ही मसाला बना के तैयार किया है। ये जो चिप्स के अंदर मसाला मिलाया जा रहा है ये मसाला इन्होंने घर पर ही तैयार किया है जिससे इस चिप्स का स्वाद बढ़े।
अब आप देख सकते हैं किस तरह ये मसाला मिलने के बाद इसे मिक्स किया जा रहा है ताकि मसाला पूरे चिप्स में लग सके। आपके यहाँ चिप्स बनाने के लिए कितने लोगों का स्टाफ रख रखा है आपने? हम दो वर्कर्स हैं, एक मैं हूँ और एक और हैं, वो साथ में काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। अब आपका चिप्स ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो क्या आप हमें बताएंगे किस तरह से पैकिंग होती है इसकी और वेट होता है इसका? पॉलिथीन पाउच लिए हैं, पाउच में वेट करके वजन करते हैं, फिर सीलिंग मशीन से सीलिंग करते हैं। तो आपकी जो पर डे की इनकम है ये चिप्स से, वो लगभग कितनी हो जाती है? हो जाती है 5-6 हज़ार रुपये की पर डे बिक्री सेल हो जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये चिप्स का पैकिंग का काम चालू किया है इन्होंने और उसके बाद तोलना चालू किया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम अन्नयान योजना PMFI फल सब्जी मसाला अनाज सहित सभी प्रकार की यूनिट फैक्ट्री पर अनुदान, तेल आटा दाल चिप्स नमकीन पेठा गजक पापड़ गुड़ पनीर इत्यादि, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में 35% का अनुदान एवं 3% ब्याज पर अनुदान। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आपका होस्ट एंड दोस्त हरीश पवार, जय हिंद।